हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं, ये फली है लंबी वाली सहजने की फली, तो जो मैं आज बना रही हूँ। और ये वाली फलियाँ जो है मम्मी को बेहद पसंद है, और बस इनको साफ़ करने में काफ़ी जो है टाइम लग जाता है, बहुत ही मेहनत लगती है। और तो यहाँ सारी मैंने छील ली हैं, और जितनी ही जो इसमें बनाने में मेहनत लगती है उतने ही जो टेस्टी लाजवाब बनती हैं ये। तो इनको मैंने फ्राई कर लिया है, पहले इनको वो धो लो, फिर उनके बाद में उसको फ्राई कर लो। फिर फ्राई करने के बाद जो हमारा मसाला होता है तैयार, जैसे हम करते हैं वैसे ही मसाले को तैयार कर लो। बस फिर इसमें जो फलियाँ हैं वो डाल दो, अगर आलू डालना चाहते हैं तो आलू डालो, हमारे यहाँ तो आलू के साथ में बनती हैं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ का मौसम वेरी चेंज, बिल्कुल अलग और एकदम मस्त फंटास्टिक यानी कि बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि एक ही मौसम है, मौसम का पता नहीं है कब क्या क्या हो जाए, कब चेंज हो जाए, कब गर्मी आ जाए। तो अभी फ़िलहाल तो माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम है, बस मैं आपको क्या बताऊँ तो चारों तरफ बस हवा ही हवा चल रही है, खूब जोरों की, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत जोरों की, जैसे आंधी वाली और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस जस्ट मैं भी अभी ऊपर आई हूँ छत पे, मैंने कहा अरे कपड़े डाले थे मैंने छत पे, वो उठा लाऊँ, आखिर देखा तो अक्सर सारे कपड़े ले जा चुकी है पहले ही, क्योंकि जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी आसमान में बिजली कड़क रही है मैंने जब बच्चों को पढ़ा रही थी तब मैंने अक्सर से कह दिया था कि बच्चों को जो क्या बोल रही हूँ, जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी जब मैंने अक्सर से बोल दिया था कि कपड़े ऊपर पड़े हैं उठा लाना, तो फिर भी मैं देखने के लिए आई, पता नहीं उठाए कि नहीं उठाए उसने, तो यहाँ देखकर तो उठा के ले गई है वो। और माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम हो रहा है, मौसम का पता नहीं रहता है कब क्या हो जाए, कब चेंज हो जाता है, और वैसे ही अल्लाह के करम से लाइफ का नहीं पता होता है कि लाइफ में कब क्या हो जाए, कब चेंज आ जाए लाइफ में भी। लाइफ भी पल भर में कुछ होता है, पल भर में कुछ हो जाता है, कभी कुछ नहीं होना, जैसा मेरे साथ में हुआ है। बस उस दिन से मेरी लाइफ एकदम से चेंज हो गई, जिस दिन से मेरे पैर में लगी है, बस हर पल बस ऐसा लगता है पता नहीं कब कब वो दिन आएगा जब मैं नॉर्मल जैसे पहले चलती थी, जैसे सारे नॉर्मल जैसे काम करती थी चल फिर के, बट पता नहीं मेरी लाइफ तो एकदम जैसे चेंज हुई है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि पहले क्या होता था, आराम से सुबह उठती थी, सारे काम करती थी स्पीड में, अब वो काम बिल्कुल जैसे बोल सकते हैं हम 99 to 95% पे मैं स्पीड में काम करती थी, अब आ गया है 0 to 1, 2, 3 पर पहुंच पाता है। तो बस ऐसे ही मेरी लाइफ का इतना बुरा दिन था वो, इतना बुरा दिन मैं क्या बताऊँ। उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मेरे से क्या खता हुई कि मेरे साथ में हो गया। और तो बस फिलहाल माशाल्लाह मौसम चेंज हुआ है तो बहुत हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ आप भी एंजॉय कीजिए। देखो बिजली कट गई तो वो भी आया, देखिए क्या सोना सोना मौसम हो रहा है। यहाँ पे पानी बरसना भी स्टार्ट हो चुका है, आज तो भी जल्दी स्टार्ट हो गया पानी बरसना, वरना कल तो नाइट में बरस रहा था पानी, 8-9 बजे से पानी बरसना स्टार्ट हुआ था, और जो है दस बजे तक पानी बंद हो गया था। फिर उसके बाद लाइट तो थोड़ी बहुत हवा भी स्टार्ट हो जाती तभी से चली जाती, जैसे अभी चली गई है। और तो अभी हम यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे हैं, आप सभी भी हमारे साथ में आइए और इंजॉय कीजिए, इंशाल्लाह आप सभी को भी पसंद आएगा। किस किस को ऐसा प्यारा सा मौसम पसंद है, पता नहीं सभी को पसंद होगा
तो ये है दूसरा दिन और ये नेक्स्ट डे का है। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ, आज पापा लेके आए हैं बैगन और कल जो सेजने की सब्जी थी जो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, वो मैं वीडियो आप सभी के साथ में पूरा शेयर क्यों नहीं कर पाई क्योंकि लाइट चली गई थी, अंधेरा हो गया था। और अभी मैंने आप सभी को माशाल्लाह शेयर किया, उसमें मैंने प्याज लहसुन और टमाटर की प्योरी और टमाटर का जो पेस्ट होता है वो भी था उसमें, दो टमाटर भी मैंने पीस लिए थे और मसाला जो हमारा सूखा मसाला रहता है उसका पेस्ट था उसमें। और बस मैंने यहाँ पर तेल गर्म हो गया हमारा और साथ ही मैंने आटा भी छान लिया है, जब तक मसाला बनेगा तब तक मैं आटा गूँध लूँगी। और इसमें जो मेरा सारा जो पेस्ट तैयार किया था मैंने वो डाल दिया है और बस भरमा बैगन में मसाला होना चाहिए, जितना अच्छा जो मसाला होगा उतने ही टेस्टी जो है भरमा बैगन बनते हैं। तो यहाँ पे हम मसाले को भून लेंगे और यहाँ पे मैंने बैगन काट के रख लिए हैं, हमारा आटा भी गुन गया है तो बस मैंने आटा भी ढक कर रख दिया है, सब्जी बन रही है अभी। तो बस मैं इसी तरह मसाले में अच्छे तरीके से जो बैगनों को इस तरह घुसोड़ रही हूँ जिससे बैगन में जो है मसाला अच्छे तरीके से अंदर भर जाए। तो फिलहाल मैं इस तरह भी अच्छे तरीके से लगा रही हूँ बैगनों को जिससे जो मसाला होता है उसके अंदर अच्छे तरीके से चला जाए। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख दूँगी, फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसको मिक्स किया है और इसी तरह हम चलाते हुए इनको थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर, जैसे पानी सूख जाए तो मसाला लगने लगेगा तो थोड़ा सा पानी डालते जिससे बैगन गल जाएंगे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसको बैगनों को जो है अच्छे तरीके से पका लूँगी। फिर मैंने अब देखिए हमारे बैगन लगभग पकना स्टार्ट हो चुके हैं, मैंने थोड़ा सा चेक किया है तो बस ये अभी मैं रख दूँगी। और अब मेरे को जो है कि लग रहा है कि अच्छे तरीके से हमारे बैगन हो चुके हैं, तो फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं और मसाला ना लगे इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और अब मैं दोबारा जो है थोड़ी देर बाद फिर मैं चेक करने के लिए आ गई, तो फिर मैंने इसको फिर चला दिया है हमारा। और अब मेरा जो है हमारी सब्जी बनकर तैयार है, आप सभी देख सकते हो इसका फाइनल लुक। तो इसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है। तो हमारी लाजवाब भरवा बैगन की सब्जी बनकर तैयार है, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी होगी। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं और बस जस्ट मैं अभी नहा कर आई हूँ और बस मैं सोचा थोड़ा यहाँ पे बैठी हूँ और यहाँ पर मैं बैठी हूँ बुक पे क्योंकि लाइट नहीं है, लाइट गए हुए 1 घंटा हो चुका है, पता नहीं क्या बात है आजकल बहुत लाइट जो कट रही है तो लाइट बहुत जा रही है अभी इस टाइम, कहीं रात में भी चली जाती क्योंकि मौसम ख़राब होता है तो तब तो जानी ही जानी है, अगर मौसम ज़रा भी ख़राब हो गया या पानी आया या थोड़ी सी हवा आंधी कुछ भी हुई तो लाइट चली जाती है। और अभी तो बिल्कुल नॉर्मल है, देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, अच्छी खासी धूप भी है तो अभी पता नहीं क्यों लाइट चली गई है। तो यहाँ देखिए आप मौसम बिल्कुल क्लीन देख सकते हो, देखिए यहाँ पर धूप आ रही है ना, तो बस मौसम अभी ठीक है और फिर भी जो है लाइट चली गई है। और बस मैं नहा के अभी फ्री हुई हूँ, खाली हुई हूँ सारे काम से, तो बस अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, बस मैं अभी अपने बालों को थोड़ा सुखाऊंगी फिर चोटी करूँगी, चोटी करके फिर मैं बैठूँगी पारा पढ़ने के लिए, जब तक फिर अजान हो जाएगी शोर का टाइम हो जाएगा फिर नमाज से फारिग हो के, जब तक फिर आप पता नहीं है, पता ऐसा लग रहा है जाने कितना टाइम हो गया है मुझे, मेरा तो ऐसा लग रहा है जैसे लॉकडाउन में घर में थे ना ऐसा ही लग रहा है मुझको, तो लॉकडाउन में घर में कैद हो गए थे, कहीं ना जाना ना आना, और जब से मेरे पैर में चोट लगी ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और अभी आपको मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही होगी क्योंकि मैं गोप पर बैठी हुई हूँ, ये बुलेट की आवाज़ में की जो साउंड होता है ना, बुलेट में जो साउंड होता है बहुत ज़्यादा बुरा लगता है तो पता नहीं किस चीज़ का ऐलान लग रहा है, तो बस ऐसा ही लगा रहता है कुछ ना कुछ। और गली मोहल्ला है हमारा, मोहल्ला ऐसा नहीं है कि शांत शांत सा हो, हमारे मोहल्ले में रात में भी काफ़ी चहल पहल रहती है और हमारा मोहल्ला ऐसा ही है गली हमारी, क्योंकि हमारी गली में आप सभी ने देखे हैं कितने सारी शॉप्स ठेले वगैरह जो मोमोस हमारे यहाँ पे इधर चौराहे पे हर चीज़ मिल जाएगी आपको, जो ऐसे चौपाटी टाइप का होता है ना, बिल्कुल एकदम चौपाटी जैसी लगने लगी है। तो वैसे ही मैं आप सभी को, अल्लाह ही कौन रो रहा है बच्चा तो मैंने अभी वीडियो जो है रोक दिया था क्योंकि
क्योंकि बाहर से एक बच्चे की बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैंने देखा तो एक लड़की थी, बच्चा था जो रोते हुए जा रहा था। मैंने कहा, सोच रही मैंने पता नहीं क्यों रो रहा है, बट उसके साथ में उसकी मम्मी भी थी शायद आप समझ लीजिए। तो बस मैंने फिर उसके बाद जब निकल गए, उसके बाद फिर मैंने अभी आप सभी के साथ में वीडियो स्टार्ट किया है। रोटियां बना रही थी जब भी लाइट चली गई थी, फिर रोटियां से रोटी बना के मैं फारी हुई खाना बना के, तो बस फिर मैं नहाने चली गई। नहा कर आई, मैं सोची जब तक नहा लूँगी तब तक लाइट आ जाएगी, और लाइट अब तक नहीं आई है। तो बाकी के थोड़े बहुत काम थे वो मुझे करने थे, बट लाइट नहीं आई इस वजह से रुक गई हूँ। तो बस अभी मैं जाती हूँ और अपना काम स्टार्ट करती हूँ, और अंधेरा है, अंधेरे में क्या वीडियो शूट करूँ, इसलिए मैं अभी कोई वीडियो शूट नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स, लाइट तो आने से नहीं रही, पता नहीं कब आएगी लाइट, लाइट का कुछ पता नहीं है। बट मुझे जो काम करने हैं वो मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आप सभी ने पूरा ब्लॉग देखा होगा, अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को ज़रूर लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, एंड मेरे चैनल को इतना सारा प्यार दो कि वो जल्द से जल्द बहुत जल्द ऊंचाई पे चले जाए। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ, और बस उस दिन का जब तो बस आप सभी का अगर मेरे साथ यूं ही साथ बना रहा तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। और अभी फ़िलहाल मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, अगर ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को ज़रूर लाइक करो, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप सभी को मेरा ब्लॉग। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़ और बाय फ्रेंड्स। बस ये अभी स्कूल से आके यहीं पे आके बैठी हुई हैं, इनकी 12:30 बजे छुट्टी होती है, और अभी आकर इन्होंने खाना खाया है और अभी ये बैठी हुई हैं फ्री। तो बस मैं तो चलती हूँ, बाय।